कैसे हैं आप सब? अच्छे। आज हम करेंगे कक्षा 3 का हिंदी का पाठ 7 और नाम है मेरी गुजरात यात्रा। क्या नाम है पाठ का? मेरी गुजरात यात्रा। अच्छा, जब आपकी गर्मियों की छुट्टियां होती है तो आप कहीं बाहर भ्रमण के लिए कहीं गए हैं? यस सर, हम चंडीगढ़ गए थे। वेरी गुड। ठीक है, तो आज हम जानेंगे इस लेसन में एक अमित नाम का लड़का है और वो कहाँ गया था। ठीक है, अमित की आयु तो अभी 10 वर्ष की ही है, किंतु उसे यात्रा करने का बड़ा शौक है। किस चीज का शौक है? यात्रा करने का। कहीं घूमने फिरने का मौका वह कभी नहीं चूकता। अमित के चाचा जी गुजरात में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? गुजरात में। ठीक है, उन्होंने अमित को गर्मियों की छुट्टियों में गुजरात भ्रमण के लिए अपने पास बुलाया। भ्रमण मतलब घूमने फिरने के लिए। ठीक है, किसने बुलाया? उसके चाचा जी ने। यस, गुजरात में अमित ने जो कुछ देखा और जाना उसे अपनी डायरी में इस प्रकार दर्ज किया है। 15 जून 2015, यानी कि जो अमित लड़का है ना, कोई भी अगर कहीं बाहर घूमने जाता है, यात्रा पे जाता है, तो उसके बारे में जो भी वो देखता है उसको अपनी एक डायरी में लिख लेता है। ठीक है, तो ये बातें कब की है? सन 2015 की, और डेट क्या थी? 15 जून। जून में छुट्टियां पड़ती है ना आपके, यस गर्मियों की, सर। तो ये गर्मियों की छुट्टियों में वहां पर गया और देखते हैं उसने वहां पर क्या लिखा, क्या देखा, कैसे यात्रा की। लगभग 11 घंटे की रेल यात्रा के बाद आज सुबह ही गुड़गांव से अहमदाबाद पहुंचा। कितने घंटे लगे उसको? 11 घंटे और कहां से? गुड़गांव गुड़गांव से लेकर अहमदाबाद अहमदाबाद। तक। ठीक है, रात भर रेलगाड़ी के हल्के झटकों में नींद ठीक ठाक आई, परंतु थक गया था, है ना? तो कैसे यात्रा की इन्होंने? 11 घंटे रेल में बैठकर। रेल में बैठकर दिन भर आराम करता रहा और शाम होते ही चाचा जी के साथ घूमने निकल पड़ा। गुजरात नाम के साथ ही गांधी जी का चरखा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। ठीक है, गांधी जी की जन्मभूमि के बारे में किताबों में मैंने खूब पढ़ रखा था। तो गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था ना, यस और सर। गुजरात में कहाँ पर? पोरबंदर पोरबंदर। नामक स्थान पर, है ना? परंतु आज उसे अपनी आंखों से देखना अच्छा लग रहा था। साबरमती आश्रम में पहुंचा तो वहीं भजन सुनने को मिला। कौन सा भजन? जिसे मैंने अपने विद्यालय के मंच पर बहुत बार गाया है। तो वहां पर गुजरात के अंदर एक साबरमती आश्रम है जिसमें गांधी जी अपना चरखा काटते थे। ठीक है, तो वहां पर एक भजन चल रहा था और वो भजन कौन सा था? सुनते हैं हम भी एक बार, क्या आप लिखा उन्होंने इसके बारे में, क्या पढ़ते हैं हम भी इसको। ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको? यस ये सर। चित्र में यहाँ पर एक स्टैचू लगा है, किनका है यस ये? गांधी जी का। ठीक है, और यहाँ पर ये अमित लड़का है, अपने चाचा जी के साथ ही आया है, और यहाँ पर उन्होंने महात्मा गांधी जी को देखा, उनके चित्र को देखा, और उनके यहाँ एक भजन चल रहा था। क्या था भजन वो? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ए मने अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये भजन था, ये वहां पर भी चल रहा था। ठीक है, नो आपने सुना है कभी भजन ये? सर। मैं भी खुद को रोक ना पाया और अपने स्वर उसी में मिला दिए। तो यानी कि अमित भी इस गाने को गाने लग गया। चाचा जी ने बताया कि यह भजन प्रसिद्ध भगत नरसी मेहता का है। किनका है ये गाना? नरसिंह नरसी मेहता का। ठीक है, देर रात तक इसी भजन को गुनगुनाते हुए
मैं और चाचा जी घर लौट आए। समझ में आई? तो ये था उनका जो 15 जून को उन्होंने जो कुछ भी यात्रा स्टार्ट की थी, और 15 और 16 को वहीं रहा। फिर उसके बाद है 17 जून 2015, यानी कि फिर वो अगले दिन के बारे में बताता है कि आगे उसने क्या किया, कहाँ गया, कैसे कैसे वो घूम कर आए। अच्छा, हमने इतना पढ़ा है तो इसके बारे में कुछ प्रश्न पूछते हैं आपसे। चाचा जी ने अमित को अपने पास क्यों बुलाया था? गर्मियों की छुट्टियों में गुजरात भ्रमण के लिए। वेरी गुड। किस लिए बुलाया था उन्होंने? गर्मी की छुट्टियों में गुजरात भ्रमण के लिए। तो अब दूसरा प्रश्न जो यहाँ पर बन सकता है, अमित को यात्रा के दौरान थकान क्यों हो गई थी? क्यों हो गई थी? अमित को यात्रा के दौरान रेलगाड़ी के हल्के झटके के कारण थकान हो गई थी। यस, क्योंकि उन्होंने लंबी दूरी का रास्ता तय किया था। कितने घंटे का था? 11 घंटे का, तो उसे थकान हो गई थी। ठीक है, गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा है और इसे किसने लिखा है? कौन सा भजन है गांधी जी का? पराई वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, है ना? तो इसको किसने लिखा है? नरसिंह मेहता। हाँ, इसको लिखने वाले कौन थे? प्रसिद्ध भगत नरसिंह मेहता। अब 17 जून के बारे में पढ़ते हैं कि 17 जून को उन्होंने क्या किया। आज सुबह से ही मैं बहुत खुश था। आज चाचा जी मुझे श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका घुमाने ले गए। कहाँ लेने गए, कहाँ घुमाने ले गए वो? द्वारिका में। द्वारिका के बारे में पिताजी से सुना था कि यह भारत के 4 धामों में से एक है। कितने धामों में से? 4 धामों में से। कहते हैं श्री कृष्ण मथुरा से यहाँ आए थे और इस नगरी को अपनी राजधानी बनाया था। कहाँ से आए थे कृष्ण? मथुरा से। और जो द्वारिका है उन्होंने अपनी उसको राजधानी बना लिया था। चाचा जी ने बताया कि द्वारिका भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। कौन से किनारे पर? पश्चिमी किनारे। इस सुंदर नगरी को देखकर मन रोमांचित हो उठा। यहीं सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने आए थे। ठीक है, देर रात तक मैं और चाचा जी गरबा नृत्य देखते रहे। कौन सा नृत्य? गरबा नृत्य। ठीक है, गुजरात का ये फेमस नृत्य है, बहुत प्रसिद्ध नृत्य है ये। क्या नाम है इसका? गरबा। स्त्री पुरुष सब गुजराती पोशाक पहने बड़ा सा गोला बनाकर नाच रहे थे। मैंने भी उस समूह में कदम ताल मिलाकर खूब नृत्य किया। गुजराती पकवान खाकर सारी थकान दूर हो गई। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना? स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गरबा का जो नृत्य है वो कर रहे हैं। और ये चित्र है, ये चित्र द्वारिका धाम का है। ठीक है, किस चीज का चित्र है ये? द्वारिका धाम। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं लेसन में क्या है। उसके बाद देखते हैं 19 जून को फिर क्या हुआ। 19 जून 2015 की बात है ये। गुजरात से अब घर लौट रहा हूँ। मैंने साबरमती आश्रम, द्वारिका के अलावा सोमनाथ का मंदिर, पालीताना की यात्रा भी की। कहाँ कहाँ की यात्रा की? सोमनाथ का मंदिर और पालीताना। पालीताना जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ है। पालीताना किनका तीर्थ स्थल है? जैनियों का। सोमनाथ शिवजी का बहुत बड़ा मंदिर है। सोमनाथ क्या है? शिवजी का बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ बिताए दिनों की याद अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। गुजरात के लोगों की वेशभूषा मुझे बहुत अच्छी लगी। पुरुष धोती पहनते हैं और सिर पर साफा या पगड़ी बांधते हैं। क्या करते हैं पुरुष? धोती पहनते हैं और सिर पर साफा या पगड़ी पहनते हैं। स्त्रियां अधिकतर कामदार लहंगे और ओढ़नी पहनती हैं। मैंने भी अपनी छोटी बहन के लिए पीले रंग का गुजराती लहंगा खरीदा है। उसे पीला रंग बहुत पसंद है। मुझे यहाँ के पकवान ढोकला, खांडवी, फाफड़ा, श्रीखंड, गुजराती कढ़ी आदि बहुत अच्छे लगे। क्या क्या लगा? ढोकला, खांडवी, फाफड़ा,
श्रीखंड, गुजराती कढ़ी। ठीक है, ये सब पकवान है गुजरात के अंदर। मुझे गुजरात में सबसे अच्छा यह लगा कि यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। यह देखकर मुझे गुजराती कवि की ये पंक्तियाँ याद आ गई। कौन सी पंक्तियाँ हैं ये? हिंदू मुसलमान पारसी ओणा अय्या तीरथ सागर, प्रभु छे एक, भूमि छे एक, पिता छे एक, मात छे एक। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हिंदू मुसलमान पारसी जो भी यहाँ पर मतलब व्यक्ति अलग अलग धर्म के रहते हैं, अय्या तीरथ सागर और वहाँ के तीरथ सागर क्या है, एक ही है, है ना। प्रभु से एक यानी कि प्रभु भी सबका एक है, भूमि भी सबकी एक है, पिता भी सबका एक है यानी कि उस परमात्मा के बारे में ये कह रहे हैं, और माता भी एक है। ठीक है, तो यानी कि उन सब के जो अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं वो सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, और इस समाप्ति से पहले हम जान लेते हैं कुछ वर्ड मीनिंग जो इस पाठ में आए थे, उनको हम एक बार देख लेते हैं। अभिमान का मतलब क्या होता है? घमंड। उपकार का मतलब क्या होता है? भलाई। और कदम ताल का मतलब होता है कदम से कदम मिलाकर चलना। जन का मतलब क्या होता है? लोग। नृत्य का मतलब क्या होता है? नाच। प्रभु का मतलब क्या होता है? भगवान। प्रसिद्ध, विख्यात या मशहूर। भ्रमण का मतलब है यात्रा। और वेशभूषा का मतलब है पहनावा। ठीक है, तो ये इनके वर्ड मीनिंग थे। आगे हम अगले वीडियो में जानेंगे इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों के बारे में। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।